आज के इस वीडियो में हम ऋग्वैदिक आर्यु के धार्मिक विश्वास को पढ़ने वाले हैं और ऋग्वैदिक आर्यु की जो नदियां हैं और नदियों के साथ में जो ऋग्वैदिक आर्यु का भौगोलिक क्षेत्रफल है, ठीक, यानी कि जिसको क्या कहा जाता है, सप्त सैंधव प्रदेश। तो सप्त सैंधव प्रदेश क्या है और उससे संबंधित नदियां क्या है, इसकी चर्चा हम ऑलरेडी एक वीडियो में कर चुके हैं, उसको आप यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और आई बटन पर भी इस वीडियो को दिया गया है, वहां से आप देख लीजिएगा। आइए यहाँ पर धार्मिक विश्वास को देखते हैं कि ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो धर्म के मामले में उनकी क्या धार्मिक मान्यताएं थी। बेसिकली दो बातें हैं, एक तो यहाँ पर देखना है कि वो प्रकृति की पूजा करते थे कि नहीं करते थे, ये एग्जाम में पूछा जाता है, परीक्षा में पूछा जाता है। दूसरी बात पूछी जाती है कि वे एकवेश्वरवादी थे अथवा नहीं थे, और फिर बहुदेववादी भी थे, ठीक। तो आम तौर पे ये होता है कि जब हम एकेश्वरवाद को पढ़ लेते हैं, ऋग्वेद में एकेश्वरवाद को पढ़ते हैं, तो ऋग्वेद में एकेश्वरवाद को पढ़ते समय हमारे दिमाग में आज के ईश्वरवाद की संकल्पना होती है, ठीक। हम आज के ईश्वरवादी विचारों को अपने दिमाग में रख करके ऋग्वेद के एकेश्वरवाद को पढ़ते हैं, तो उसको अभी हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे यहाँ का जो ईश्वरवादी संकल्पना है वो कैसे एकेश्वरवाद से अलग है, और वो एकेश्वरवाद जो है वो अपने आप में कैसे बहुदेववाद है, इसको भी हम थोड़ी देर में देखते हैं। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऋग्वैदिक आदि जो थे वो प्रकृति की पूजा करते थे, यानी कि प्रकृति के पूजक थे, ठीक है। कैसे, देखिए पहले क्या था कि पहले किसी भी प्रकार के विज्ञान के नियम नहीं थे, यानी कि मनुष्य क्या था, यानी कि आर्य जो थे वो क्या थे, प्रकृति की जो शक्तियां थी, जो रहस्यमयी शक्तियां थी, उनसे परिचित नहीं थे। और उससे पहले आपको याद होगा कि पाषाण काल का मानव भी प्रकृति की पूजा करता है, नदियों के रूप में, पहाड़ों के रूप में, कुल मिलाकर के सिंधु घाटी सभ्यता तक जो है वो इन प्रकार की प्रकृति की पूजा होने के हमको साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो प्रकृति की पूजा आर्य तो करते थे, अब कैसे करते थे उसकी एविडेंस देखिए। जैसे ऋग्वेद में कहा जाता है कि इंद्र जो है वो सबसे महत्वपूर्ण देवता है, ठीक, और ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रमुख देवता ऋग्वेद के अनुसार कौन है, तो ऋग्वेद के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है, इंद्र है, ठीक। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता ऋग्वेद के अनुसार कौन है, अग्नि है, अग्नि देवता है। अग्नि देवता को इसी प्रकार से 200 सूक्त समर्पित है, यानी कि 200 मंत्रों में अग्नि देवता का जिक्र मिलता है। इसी प्रकार से ऋग्वेद में इंद्र को 250 मंत्रों का जिक्र मिलता है। इसी प्रकार से ऋग्वेद में तीसरे महत्वपूर्ण जो देवता है, पहले देवताओं के नाम समझिएगा, वो कौन है, वो है वरुण देव, ठीक, वरुण, वरुण देव है। अब समझिए पहले इंद्र को, जैसे इंद्र को वर्षा का देवता माना गया है, ठीक, आंधी का देवता माना गया है, तूफान का देवता माना गया है, यानी कि जब ऋग्वैदिक ऋषियों को वर्षा करवानी है या वर्षा से संबंधित उनको किसी भी प्रकार की प्रार्थना करना है, उस समय देखिए धार्मिक विश्वासों की दो ही मान्यताएं प्रचलित थी, एक थी प्रार्थना और उसी के दरमियान क्या होते थे, यज्ञ होते थे, और यज्ञ जो होते थे वो बहुत छोटे पैमाने पर होते थे, क्योंकि आगे चल करके हम उत्तर वैदिक पीरियड में पढ़ते हैं कि पुरुष मेध यज्ञ होने लगते हैं, उसके बाद में अश्वमेध यज्ञ होने लगते हैं, माने कि बड़े बड़े यज्ञ जो है वो होने लगते हैं। तो इस प्रकार की अभी यज्ञ वाली चीजें यहाँ पर नहीं है, बस अपनी प्रार्थनाएं करना है और उन्हीं यज्ञ के माध्यम से प्रार्थनाएं करते हुए इंद्र देवता को याद किया जाता है वर्षा करवाने के लिए, ठीक। तो जब वर्षा करवाने के लिए इंद्र देवता को याद किया जाता है, इसी प्रकार से आंधी आती है, तो आंधी से जिस प्रकार की समस्याएं होती हैं उस दरमियान मरुत देवता को याद किया जाता है, और मरुत क्या है, वो आंधी करने के क्रम में, जब आंधी के रूप में, आंधी करने के क्रम में या आंधी से संबंधित समस्याओं से निजात पाने के लिए इंद्र देवता को जब ऋग्वैदिक आर्य ऋषि मुनि याद करते हैं तो उनको मरुत देवता के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से तूफान, तो ये पूछा जाता है कि आंधी और तूफान के देवता किसे माना गया है, तो इंद्र को माना गया। आप खुद समझ सकते हैं कि वर्षा क्या है, प्रकृति की देन है, आंधी तूफान क्या है, प्रकृति है, तूफान क्या है, सब प्रकृति है, है कि नहीं। इसी प्रकार से इंद्र से संबंधित कुछ और भी तथ्य देख लेते हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे वृत्त शूरहंता पूछा जाता है कि वृत्त शूरहंता निम्नलिखित में से किस ऋग्वैदिक देवता को कहा जाता है, तो वृत्त नामक राक्षस का वध करने के कारण इन्हें वृत्त शूरहंता कहा जाता है। इसी प्रकार से इंद्र का एक और नाम मिलता है पुरंदर। पुरंदर का मतलब ये होता है कि किलों को ध्वस्त करने वाला, किलों को ध्वस्त करने वाला
नगरों को तोड़ने वाला। देखिए पुरंदर नाम की संज्ञा को ही लेकर के ऐसा माना जाता है या अंदाजा लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाशक करने वाले लोग जो थे वो आए थे। ठीक, कहां तक थे कहां तक नहीं थे वो एक अलग बात है, कि पुरंदर नाम की संज्ञा इंद्र को दी गई है। इसी प्रकार से सुमापा यानी कि सोम का अत्यधिक पान करने वाला, तो सुमापा शब्दावली भी इंद्र के लिए प्रयुक्त होती है। सप्तकृति यानी कि 100 शक्तियों का स्वामी, 100 शक्तियों का स्वामी इंद्र को बताया गया है। तो ये 4 नाम और है जो इंद्र के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अब जो दूसरे महत्वपूर्ण देवता है जिसको मैंने बताया अग्नि है, और अग्नि को कितने सूक्त समर्पित हैं, 200 सूक्त समर्पित हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अग्नि को कितने सूक्त समर्पित हैं, तो अग्नि देवता को 200 सूक्त समर्पित हैं। ठीक, इन 200 सूक्तों में क्या है कि जैसे जब यज्ञ हुआ करता था तो इन्हीं अग्नि देवता के माध्यम से इंद्र को, वर्षा के देवता को, या आंधी के देवता जो मरुद देवता थे, अपने आप में इन्हीं देवताओं को याद करने का एक ये जो तरीका था वो यज्ञ था। और इसी यज्ञ के माध्यम से जब अग्नि में आहुतियां दी जाती थी तो ऐसा माना जाता था कि अग्नि देवता को जो भी भेंट दी जाती, जैसे उस समय जो आहुतियां दी जाती थी वो जौ की दी जाती थी, बाद में चल करके जो आहुतियां देने जाने लगी वो पशुओं की भी दिए जाने लगी, लेकिन वो आगे की बातें हैं। अभी ऋग्वेद पीरियड में क्या है, ऋग्वेद की कालखंड तक एक ही बात है कि यहाँ पर जौ की आहुति दी जा रही है। साक और साक मतलब कि शाकाहारी, तमाम प्रकार की शाकाहारी चीजें हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, उनकी आहुतियां दी जा रही हैं। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि किस देवता को मध्यस्थता का देवता कहा जाता है। मध्यस्थता का देवता का मतलब यही है कि अग्नि में दी हुई आहुतियां, अग्नि के माध्यम से की हुई प्रार्थनाएं हमारी अमुक देवता तक पहुंच रही है, इतनी सी बात है। तीसरा महत्वपूर्ण देवता यहां पर मैंने बताया कि वरुण को बताया गया है। वरुण, वरुण को बताया गया है। वरुण क्या है, यहां पर देखते हैं वरुण क्या है। वरुण के लिए एक शब्द आता है ऋतस्य गोपा, ऋतस्य गोपा। देखिए गोपा का मतलब होता है प्रधान, ठीक, और ऋतस्य का मतलब होता है ऋत का, अर्थात ऋतु का संतुलन, ऋतु का संतुलन। संतुलन क्या है, एक परीक्षा के विकल्प में आपको प्राकृतिक नियम भी मिलता है कि बताइए कि ऋत का मतलब क्या है। ठीक है, प्राकृतिक नियम की चर्चा मिलती है तो विकल्प में प्राकृतिक नियम देखकर के कंफ्यूजन पैदा होता है कि ऋत का मतलब प्राकृतिक नियम होगा या नहीं होगा। दरअसल ऋतस्य गोपा यानी कि ऋतुओं में जो संतुलन होता है वो वरुण देवता की वजह से होता है, वरुण देवता के कारण ही जो है वो ऋतुओं में संतुलन होता है। यानी ऋतु में संतुलन का कहने का मतलब क्या है कि प्राकृतिक शक्तियों का नियमन, ठीक है, प्राकृतिक शक्तियों का नियामक कौन है, तो प्राकृतिक शक्तियों का नियामक कौन है, वो है वरुण देवता। यानी कि अगर प्राकृतिक नियम मिल जाए विकल्प में तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब थोड़ा सा इस प्राकृतिक नियम को आज देखिए तो हमारे यहाँ जो SDG है, सतत विकास लक्ष्य, जिसमें धारणीय विकास की बात कही जाती है ना, कि धारणीय विकास का मतलब यही है कि प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार से यूज किया जाए कि आने वाली पीढ़ियां उनका क्या करें, प्रयोग कर सकें। तो यही वो वृत्त की ही अवधारणा है जिसको आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी वकालत कही जा रही है कि किस प्रकार से प्रकृति के नियम को बनाए रखा जाए। ठीक है, उसके बाद में चौथे महत्वपूर्ण जो देवता हैं उनको बताया गया है सोम। सोम को एक बात यहाँ पर और है कि वरुण देवता को जलराशि का देवता माना गया है। जलराशि का देवता क्या है, जलराशि क्या है, जलराशि का मतलब यही है कि कोई ऐसा जल निकाय पृथ्वी पर उपस्थित, कोई ऐसा जो जल निकाय है वही जलराशि है। क्योंकि ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो समुद्र से परिचित नहीं थे, यानी कि यहाँ पर जलराशि का मतलब समुद्र नहीं है। ठीक, समुद्र का मतलब बस इतना सा है, एक विशाल जलराशि जिसके नियामक कौन है, जिसके नियामक वरुण देवता है। ठीक, उसके बाद में ऋग्वेद के नवे मंडल में यानी कि नवे भाग में सोम देवता का जिक्र है। सोम देवता का जिक्र है। सोम देवता क्या है, सोम देवता वनस्पतियों के देवता बताए गए हैं। बताया गया है कि ऋग्वेद के नवे मंडल में सोम जो है वो वनस्पतियों के देवता हैं।
वह नक्ष पतियों के देवता हैं।